अब इसके साथ साथ में बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि हम बेहतर परिणाम लेने के लिए क्या करें, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें, या जो वर्तमान में अभी एग्रीकल्चर में जो समस्या है उनका क्या करें। ये तो ठीक है हम कर लेंगे, पर वर्तमान में जो समस्याओं से हम घिरे हैं उनसे हम बाहर कैसे निकलें। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज नेचुरल फार्मिंग में, जो भी हमारे साथी देश विदेश से जुड़े हुए हैं, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या ग्राउंड लेवल पे फार्मिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों के लिए, उन सभी के लिए ये सुनना और समझना जरूरी है कि आज जो हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस हैं, वो मेन चैलेंजेस में खाद, क्योंकि हमारे पास भरपूर मात्रा में जैविक खादें उपलब्ध नहीं है, गौवंश हमारे देश में इतना कम है। पहले एक आंकड़े थे जब हमारे देश में 3 करोड़ की आबादी हुआ करती थी और 6 करोड़ गौवंश हुआ करता था, आज की परिस्थितियां कितनी विपरीत हैं। हमारी आबादी 150 करोड़ के आसपास है और हमारे पास गौवंश की संख्या 3 करोड़ के आसपास है। मतलब आप सोच के देखिए जरा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। मतलब प्रति व्यक्ति कम से कम 2 गौवंश हमारे पास अगर होंगे तो हमारी जिंदगी समृद्ध होगी। अगर हम पहले के भारत पर चर्चा करें कि पहले का भारत सोने की चिड़िया और समृद्ध कहा जाता था, तो कारण क्या थे? पैसे थे बहुत ज्यादा, या गाड़ियां थी, इंडस्ट्रियां थी, यूरिया बनाने की फैक्ट्रियां थी बहुत ज्यादा, या डीएपी बनाने की फैक्ट्रियां थी? क्या था उस समय जब भारत को समृद्ध कहा जाता था? तो केवल और केवल आपको जब आप उसका स्टडी करेंगे तो 2 बातें निकल के आएंगी। पहला तो ये कि मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या भरपूर मात्रा में थी, कार्बन परसेंटेज बहुत अच्छा था मिट्टी का, और अनाज जो है ना, धरती पहले पानी में पूरी धरती सज जाती थी, पहाड़ों पर चट्टानों पर भी पेड़ उगा करते थे। ये हमारी समृद्धि का राज था पहला। और दूसरा समृद्धि का राज था कि प्रति व्यक्ति 2 गौवंश था हमारी संस्कृति में, इसीलिए हमारा देश उस समय सोने की चिड़िया और समृद्ध कहा जाता था। आज हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं लेकिन समृद्धि नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास गौवंश नहीं है, हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास मिट्टी नहीं है। हमने अपनी मिट्टी को पत्थर बना दिया, उसमें जो जीवनी शक्ति थी, जो जीवाणु थे, जो जीव थे, वो हमने यूरिया और डीएपी और रसायन डाल डाल के मार डाल खत्म कर डाली, या उनकी संख्या बहुत कम कर डाली। इसलिए आज हमारे पास पैसे तो हैं गिनती में, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, लेकिन समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। तो साथियों, इन सारी जिंदगी को जीने के बाद हमें फिर सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट जीवन में सब कुछ नहीं है, हमें शांति, समृद्धि और सुकून चाहिए, तो हमें नेचर की व्यवस्था को पुनः समझना पड़ेगा। तो साथियों, इस व्यवस्था में बहुत सारे हमारे मेहनतकश भाई खेती करने में लगे हैं, और जो सबसे बड़े जो चैलेंज है, मैंने मैं आपको बताया कि जैविक खाद की जो समस्या है वो एक चैलेंज के रूप में हमारे किसान भाइयों के बीच में है। तो जैविक खाद एक बड़ा चैलेंज है, जैविक दवाइयां हमारे बीच में एक बड़ा चैलेंज है। हमें नॉलेज नहीं है कि कौन से कीड़ों को हमें फसलों पे लगने से रोकना चाहिए और कौन से कीड़ों को फसलों पे आने देना चाहिए, तो ये हमें नॉलेज भी नहीं है। और इनको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस वजूद या ठोस हमारे पास फॉर्मूले भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, मौसम बदलता है, खेतों में बोया हुआ अनाज की स्थिति बदल जाती है। 1 मिनट के लिए भी अगर जलवायु परिवर्तित होती है, मौसम परिवर्तन होता है, तो फसलों में लगने वाले फूल झड़ जाते हैं। चाहे भले आपकी 6 महीने से फसल लहलहा रही हो, लेकिन अगर फूल का वक्त है और फूल से फल बनने के लिए जो तापमान अनुकूल चाहिए, अगर वो तापमान नहीं हुआ उस समय, अनुकूल नहीं हुआ, तो सारे फूल आपके झड़ जाएंगे और हमें लगेगा कि फल झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, इस समस्या का क्या निदान हो सकता है। तो हम बाजार से लाके बहुत महंगी महंगी अनावश्यक दवाइयां स्प्रे करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। जब तक के 25 से 30 डिग्री का या 35 डिग्री का तापमान मेंटेन ना हो, तब तक कोई भी फूल फल में नहीं बदलता है। तो परिवर्तन जलवायु का बहुत रोल प्ले करता है फसलों को उगने के लिए और उत्पादन के लिए। तो ये एक समस्या है, इससे हम कैसे निपट पाएंगे। फिर एक समस्या है पानी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे निपट पाएंगे। फिर एक सबसे बड़ा जो संकट हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है, जिस पर अभी कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, या चर्चा भी नहीं कर रहा, सब प्रोडक्टिविटी की रेस में बात करते हैं,
सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है धरती का रेडियस कम होते चला जाना। लगातार आबादी लगातार बढ़ रही है। एक समय था जब दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े बड़े महानगर कुछ हिस्से में बटा करते थे, बसा करते थे। आज इनका रेडियस अगर आप देखें तो दिल्ली जो है ना 150 किलोमीटर में फैल गई है, बेंगलोर 100 किलोमीटर में फैल गया है। इसका मतलब यह है कि 100 किलोमीटर तक की जो जमीन थी वो पहले कुछ ना कुछ उगा के आपको दे रही थी, लेकिन आज वहां पर कॉन्क्रीट का जंगल खड़ा हो गया है। इसका मतलब यह है जमीन का रकबा कंक्रीट का जंगल खड़ा होने से लगातार कम होता चला जा रहा है, आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है, फूड सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी चिंता है, वो भी क्वालिटी ऑफ फूड के साथ में। तो साथियों ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जमीन का रकबा कम होता चला जा रहा प्रति व्यक्ति। हमें चिंता करने की आवश्यकता है पानी के लिए, हमें चिंता करने की आवश्यकता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमें चिंता करने की आवश्यकता है कीड़ों को कैसे नियंत्रित करें, सही कीड़ों को अपनी फसलों में आने दें, गलत कीड़ों को हम नियंत्रित करें। हमें चिंता है कि जैविक खादों का हम कैसे भरपूर मात्रा में पूर्ति कर पाएं। हमें चिंता है कि हम अपने क्लाइमेट को कैसे नियंत्रित कर पाएं या क्लाइमेट के बुरे असर को कैसे फसलों पर लगने पर रोक पाएं। हमें चिंता है कि हम कम जमीन में कैसे उत्पादन कर पाएं। तो साथियों मल्टी लेयर फार्मिंग एक तकनीक है जिसका हमने 2014 में फार्मूला पर काम करना चालू किया और लगातार रिसर्च करके 2016 में देश के सामने इस फार्मूले को लेके आए। और इसमें जितनी भी ये जो चैलेंजेस हमने अभी गिने हैं इन सारी समस्याओं का एक ही झटके में एक ही टेक्नोलॉजी को अपनाने में फायदा होता है। पानी की बचत 70-80%, खरपतवार नहीं होता, कीड़े कम लगते हैं, मौसम का प्रभाव कम होता है, खाद की मात्रा कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक गाय से एक एकड़ जमीन, एक एकड़ का मल्टीलेयर स्ट्रक्चर ऑपरेट हो जाता है। तो कुल मिला के और इस मॉडल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें हम एक साथ एक ही जमीन पर मिट्टी के अलग अलग स्तर का उपयोग करते हुए 4-4 फसलें 5-5 फसलें उगाते हैं, जिससे मिट्टी में उपस्थित खाद पानी या ऑक्सीजन का लेवल का जो उपयोग है वो 100% हो पाता है और मौसम परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कीड़े इसमें बहुत कम लगते हैं, खाद की मात्रा कम लगती है, बीज हमारे खुद के अपने देसी होते हैं। फिर इसके बाद जो है 4 गुना आपका समय बचता है और 4 फसलों के साथ आपका 4 गुना मुनाफा होता है। और सबसे जो बड़ी बात है जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिसपे कोई चर्चा नहीं करता कि जगह का रकबा जो कम होता चला जा रहा है, आने वाले समय में हम फार्मिंग कैसे करेंगे अगर आबादी हमारी जो है अगर 1,000 करोड़ पूरी पृथ्वी पर है तो हमारे पास जमीन का रेडियस पहले अगर मान के चलो उदाहरण के तौर पर 1,00,000 हेक्टेयर थी तो पता चला आज हमारे पास 80 लाख हेक्टेयर बची हुई है। धीरे धीरे करके जमीन एक तरफ पीछे से कम हो रही है, आबादी लगातार बढ़ रही है, तो इस बीच में हम क्या करेंगे। तो इस बीच में जो लेयर फार्मिंग के कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं इसमें हम जमीन के जो गहराई वाले पार्ट में है उसमें हम अलग फसल उगाते हैं, थोड़ा जो ऊपर पार्ट है उसमें अलग फसल उगाते हैं और जमीन का जो सरफेस का पार्ट है उसमें अलग फसल उगाते हैं और इसमें सभी में कॉम्बिनेशन हम सेट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। देखो ये मैं आपको बताऊं, ये बातें मैंने कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी हैं या किसी किताब में नहीं मैंने पढ़ी हुई हैं, ये सब प्रैक्टिकल अनुभव करके मैंने सीखी हैं और मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। अगर हमें इस बात को समझना है कि जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, जमीन के सरफेस पर और उसके ऊपर हम फसलों को कैसे उगा सकते हैं, तो जंगलों को कभी शांत होकर 10 मिनट आप जाके देखिएगा और आप वहां पर थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जंगल बिना खाद पानी और बिना किसी मेंटेनेंस और किसी के समय दिए हुए कैसे हरे भरे हैं और वहां पर बड़ी सी बड़ी वनस्पति और छोटी से छोटी घास एक ही जमीन पर आपको अलग अलग परत में मिल जाएगी। वहां पर नेचर आपको समझा देगी कि हम मिट्टी की जो क्षमता है वो अपार है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इतनी क्षमता है मिट्टी की। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर हम लेयर फार्मिंग के कॉन्सेप्ट पर पूरे हिंदुस्तान में अगर खेती करने लगे सात्विक तरीके से पूरे वर्ल्ड को अनाज खिला सकते हैं, पूरी दुनिया को अनाज खिला सकते हैं। इतनी पोटेंशियल हमारे केवल भारतवर्ष की भूमि पे, इतनी बड़ी पोटेंशियल है। तो हम इस बात को गहराई से समझें तो नेचर ने वो हमें सब कुछ दे रखा है, बस हमें थोड़ा सा समझ लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो जहां तक मैंने बात कही कि एक तो हमें नेचर की व्यवस्था को समझना है, दूसरा अगर हमें बेहतर परिणाम लाने हैं, इकोनॉमिक्स हमें अच्छा मजबूत करना है तो हमें लेयर फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को अपना कर समय बचाकर जो है 4-5 गुना फसल पैदा करके तमाम तरह के चैलेंजेस को फेस करते हुए हम बेहतरीन एक आउटपुट निकाल सकते हैं। और आज ये
केवल एक प्रयोग नहीं रह गया, ये परिणाम में तब्दील हो चुका है। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों मॉडल सफलतापूर्वक इस थीम पर चल रहे हैं, जो नौजवान करियर के रूप में इसको अपनाकर काम कर रहे हैं, आज वो सफल हैं। 10 से 12 लाख रुपए तक की इनकम एक एकड़ से हमारे साथी बहुत सारे हैं जो निकाल रहे हैं, और ये काफी अच्छा मॉडल है और बहुत ही मतलब एक वर्तमान की जो प्रॉब्लम है उनको फेस करते हुए ये सबका समाधान लेके आता है। आज हमारे पास कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो बायोडिस्पोजेबल हो, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो इकोनॉमिकल सस्टेनेबल हो, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो कि इन्वायरमेंटल सेफ हो या इन्वायरमेंट को कोई हानि ना हो। तो इकोनॉमिकल वायबल, बायोडिस्पोजेबल और इकोनॉमिकल सस्टेनेबल, ये तीनों बातें इस मजबूरी है। नेटवर्क के कारण हम इस मॉडल का जो आपको दिखाने का एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऊपर से आपको एक ब्रीफ जरूर दिखा देंगे। लेकिन आज जो मुख्य टॉपिक की हमें बात करनी थी वो है हमें अपने फील्ड की तैयारी कैसे करनी है, हमें अपने खेत पर फसल पैदा करने से पूर्व में हमें क्या ढांचा सेट करना चाहिए, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और जहां तक मैंने आपको बताया कि नेचर की व्यवस्था से जुड़ना, जैविक खेती में बेहतर परिणाम लाना, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया लेयर फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को हम अपना सकते हैं, उससे हम चार गुना फसल पैदा करें, पानी और तमाम सारी चीजों को बचाएं। तो यहाँ पर हम जो है बहुत सारे जो है उत्पादन में काफी इजाफा ला सकते हैं और क्वालिटी ऑफ फूड हम समाज को इस मॉडल के माध्यम से दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमें कीट कंट्रोल करने होते हैं, तो कीट कंट्रोल करने के लिए संसार में बहुत सारी वनस्पति ईश्वर ने ऑलरेडी बना के रखी है, और अलग अलग कीड़ों को अलग अलग वनस्पतियों के रस, पत्तियों के रस कंट्रोल करते हैं। वो वनस्पतियों का आपको अगर नॉलेज है तो उन वनस्पतियों को प्रयोग करके, उनके रसों को प्रयोग करके आप जो हानि पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम खाद की बात करें, आज हमारे पास भरपूर मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे कुछ फार्मूले को अपने खेतों में लगा सकते हैं जो कि कम खाद में भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने को तैयार हैं। जैसे कि बहुत सारे खादों में अगर हम बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद वर्मी फॉस खाद जो हम लोग बनाते हैं वो रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल है, और उस खाद का प्रयोग करके आप तमाम तरह के जो रसायन खाद आप जो खेतों में डालते हैं उनको आप हटा सकते हैं और इस खाद के बदौलत आप उन खादों की आपूर्ति कर सकते हैं। यूरिया के विकल्प में बहुत सारे लिक्विड खाद है, गोबर का अर्क बनाते हैं हम लोग, जो हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय होती है उसके गोबर का जो अर्क होता है, जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड को निकाल के हम लोग उसको पानी के साथ स्प्रे में देते हैं, पानी के साथ मिट्टी में घोल के देते हैं, नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो इससे हमारी हो जाती है। पोटाश के रूप में हमारे पास बहुत सारी ऐसी वनस्पति है जिनमें काफी रिच मात्रा में पोटाश होता है, लेकिन हमें नॉलेज ना होने के कारण उस सारी वनस्पति को हम खरपतवार की श्रेणी में डाल देते हैं, और या तो हम उसे खेत में वीडिसाइड डालकर उसे खत्म करते हैं, या तो हम काट कर वहां सुखा देते हैं और बेकार कर देते हैं, या तो फिर हम उसमें आग लगा देते हैं। ये तीनों ही काम बहुत ही गलत हैं। अगर हम उसका सही ढंग से उस वनस्पति का इस्तेमाल कर लें तो उसमें जो पोटास कंटेंट है ईश्वर ने ऑलरेडी उस वनस्पति में दे रखे हैं, उसका हम खाद बनाकर उसको डिस्पोज करके उसका पोटास का प्रयोग करके अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनका हम पोटास खाद बनाते हैं। इसके बाद जो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो जरूरत पड़ती है उसके रूप में हम जो है जो केंचुए का यूरिन होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, गोबर का अर्क हम इस्तेमाल करते हैं, कई तरह की पत्तियों को हम एक ड्रम में सड़ा कर डिस्पोज करके उसका लिक्विड निकालते हैं। तो ये सारी जो लिक्विड है वो सारा जो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो आवश्यकता है मिट्टी के लिए वो पूर्ति करते हैं। मटका खाद जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं और उसके फार्मूले से जो है हम जितनी भी तरह के जैसे बोरॉन की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी या तमाम तरह के जो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की या एंजाइम और एसिड्स की जो डिफिशियंसी फसलों में आती है वो सब की पूर्ति हम इससे कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट रेंज जो है हमारे पास जैविक खादों की है, उनके फार्मूलों को अगर आप खुद से करते हैं तो निश्चित ही आपको किसी भी तरह की कोई भी वस्तु की बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सस्टेनेबल तरीके से सारे खाद, सारी कीट नियंत्रक दवाइयां खुद से बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही
हमारे खेतों में बहुत सारा फसलों के अवशेष होते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहां पर गेहूं की फसल काटते हैं और उसके बाद अवशेष खेत में पड़े रहते हैं। उन सारे अवशेषों के लिए या खाद को जल्दी बनाने के लिए, जैविक खाद को और ज्यादा जल्दी बनाने के लिए, या खेत में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए, या फिर इकट्ठा किया हुआ मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए, ओवरऑल किसी भी मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए, खाद में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए और मिट्टी के अंदर कार्बन वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो अलग से हम कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप गोकृपा अमृतम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे भाई इस यज्ञ में लगे हुए हैं, गो आधारित कृषि और गोपालन की व्यवस्था को मजबूती के साथ में इस देश में खड़ा करने में लगे हुए हैं भाई गोपाल सुतारिया जी, जिन्होंने गोकृपा अमृतम जो है बैक्टीरिया को निर्मित किया, और उनके प्रयास निश्चित ही जमीन पर आज परिवर्तन ला रहे हैं और निश्चित ही आगे भी ये परिवर्तन का बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगे। तो आप उस कल्चर का इस्तेमाल करें, जहां से भी आपको मिलता है वहां से आप अप्रोच करके उसको ले सकते हैं। आज हमारे पास भी बहुत सारे किसान जो ट्रेनिंग में आते हैं उनको भी हम उपलब्ध कराते हैं, फिर उस कल्चर को आप मल्टीप्लाई करिए, औरों को भी बांटिए, धीरे धीरे करके धरती के अंदर का कार्बन वैल्यू हम लोग तमाम तरीके के इस तरह के फार्मूला करके, प्रयोग करके हम बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के जो खाद की जो शंका है हमारे लिए कि रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल, वो हम अगर तैयार कर लेते हैं पूरी डाइट, तो निश्चित ही हम बहुत बड़े उत्पादन का हिस्सा बन जाएंगे, वो भी क्वालिटी ऑफ फूड के साथ में। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद भी और भी कई चीजें होती हैं, जैसे हम घर को सुंदर बनाते हैं और फिर उसमें और सुंदर बनाने की गुंजाइश होती है, हमें लगता है कि ये और कर लेंगे तो और सुंदर बन जाएगा। तो अगर हम उत्पादन ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसमें भी अगर हमें क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी और बढ़ानी है, तो हम कुछ और जो हमारे पूर्वजों ने फार्मूले तैयार करके रखे, अध्ययन करके रखा है, जैसे कि आप अग्निहोत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अग्निहोत्र एक ऐसी विद्या है जो न केवल पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखती है, आपके घर के एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखती है, बल्कि आपके खेतों के आसपास एक ऐसा ऑरा तैयार करके रखती है जिसमें जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरियल अटैक होता है फसलों पर, वो नहीं लगने देती है। तो अग्निहोत्र एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है, ये एक यज्ञ विज्ञान है। हमारे पूर्वज ये नियमित रूप से क्रिया करते थे और नियमित रूप के साथ साथ जो है ये कुछ विशेष यज्ञ भी किया करते थे, और ये सारे अनुष्ठान, ये सारे यज्ञ जो हमारे संसार में दुराचारी शक्तियां थी, या जो गलत बैक्टीरिया थे, या जो हानि पहुंचाने वाले वायरस थे, इन सारे जीवों को या सारे वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पूर्वज किया करते थे, और सभी की ऑथेंटिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित पांडुलिपियां उन लोगों ने हमारे लिए छोड़ के गए थे, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में इन सारे पांडुलिपियों को कहीं ना कहीं जला दिया गया और इस ज्ञान को धूमिल कर दिया गया। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे जो है भारत में, कितना भी लुटकुट जाए ये देश, पर फिर भी इस देश में इतना खजाना है कि सदियों से ये लुटता आया, लेकिन आज भी ये इतना पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व के सारे देशों को देने के लिए तैयार है। तो अभी भी ऐसा इतना नॉलेज हमारे पास भरा पड़ा है, अभी भी इसका पूरा संपूर्ण विज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। अग्निहोत्र प्रक्रिया का आप प्रयोग करें, और अग्निहोत्र के माध्यम से आप अपने खेत के एनवायरमेंट को एक बैक्टीरियल मुक्त एनवायरनमेंट बनाएं, और अपने खेतों के अलावा घरों पर भी इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। ये सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में 2 मिनट का काम होता है, इसकी तैयारी कर लें आप। देसी शुद्ध गाय का घी और जो हमारे चावल होते हैं, अक्षत जो जिसे अपन बोलते हैं, वो और देसी गाय का कंडा, इन 3 चीजों की आवश्यकता उसमें होती है, उपला जिसे बोलते हैं, और इसका प्रयोग आप करें तो प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी में आप काफी अंतर ला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इन तमाम सारी विद्याओं को, तमाम सारी व्यवस्थाओं को हम अपने जो है कार्यशैली में अगर हम लेके आते हैं, तो हम एक क्वालिटी की बात कर सकते हैं, एक प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं, और एक समृद्धि और खुशहाल जिंदगी की बात कर सकते हैं।